कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ, कल 8 बजे ही आ गया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर बीवी से बातें करूंगा, फिर कहूंगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो बीवी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूं। मैं मेल चेक करने लगा, कुछ देर बाद बीवी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा। अब जहन में था कि बीवी के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे, पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। बीवी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाना खाकर हम लोग नीचे टहलने चले जाएंगे, गपशप करेंगे। बीवी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। उस दरमियान मेरी पसंद का टीवी प्रोग्राम शुरू हो गया और मैं खाते खाते उसी प्रोग्राम में खो गया। प्रोग्राम देखते हुए सोफे पर ही सो गया। जब आंख खुली तो आधी रात बीत चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ कि दिल में सोच कर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारूंगा, पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात भी गुजर गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में, हम सोचते कुछ है होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो बीवी सारा दिन के कामकाज से थकी हुई सो गई थी। मैं खामोशी से बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। 20 साल पहले इस औरत को ब्याह कर लाया था। मैंने वादा किया था कि खुशी में दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर ये कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूं